नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डी फार्मिंग में। किसान भाइयों, फसलों को जंगली जानवरों के अलावा पशु पक्षियों से बचाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो चुका है। जैसा कि आप इस वीडियो में हमारे गेहूं की फसल देख पा रहे हैं, इसमें जो पशु पक्षी होते हैं जैसे कि तोता वगैरह, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा देसी और जैविक जुगाड़ बताने वाला हूँ। इस जुगाड़ की सहायता से आप अपनी फसलों में दो फायदे कर सकते हैं। पहला फ़ायदा, आप अपनी फसल को पशु पक्षियों से बचा सकते हैं। दूसरा, जो जंगली जानवर आते हैं जैसे कि नीलगाय, सुअर आदि, इनसे भी आप इस जुगाड़ की सहायता से अपनी फसलों को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, यह तरीका आपको 100% काम करने वाला भी है और आपको यह ज़रूर पसंद आएगा। तो इस वीडियो में आपको जीरो बजट में यह तरीका बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप पूरा देख ले। जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी आती है उसे दबा ले, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहे। जैसा कि किसान भाइयों, ये जुगाड़ जो मेरे आप हाथ में देख पा रहे हो, इसी से आप अपनी फसलों को तोतों या जंगली पक्षियों, जंगली जानवरों से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें कुछ नहीं किया गया है, ये कांच की बोतल जो कि बियर वियर की आती है, ये बोतल ली गई है। इस पर ये धागा पलटा गया है और धागे के सहारे यहाँ पर एक पत्थर बांधा गया है और इसके सहारे एक ये जो प्लास्टिक का खत्ता आता है, इसको इसके साथ बांधा गया है। किसान भाइयों, ये वो जुगाड़ है जिससे आप अपनी फसलों को पक्षियों से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, इसको क्या करना है कि आपको जहाँ पर भी पशु पक्षी बैठते हैं या जिस साइड से भी नीलगाय अपने खेतों में आती है, उस साइड पर आपको इस प्रकार से इसको लटका देना है। जैसे ही हवा आएगी, ये नीचे का खत्ता हिलेगा इस प्रकार से और ये बोतल पर जाकर टकराएगा पत्थर और ये बोतल आवाज़ करेगी। तो किस प्रकार आवाज़ करेगी हम आपको बताने वाले हैं। तो ये किस प्रकार काम करेगा इस वीडियो में आप आगे देखेंगे।